नमस्कार मित्रों, आज नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा के शक्ति स्वरूप कात्यायनी की उपासना करने से सभी को परम पद की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। देवी पार्वती ने यह रूप महिषासुर नामक राक्षस को मारने के लिए धारण किया था। माता के ये रूप काफी हिंसक माना गया है, इसलिए माँ कात्यायनी को युद्धत की देवी भी कहा जाता है। नवरात्रि के छठे दिन कात्यायनी देवी की पूजा की जाती है। कात्यक गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती परम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री हो और माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए ये देवी कात्यायनी कहलाई। उनका गुण शोध कार्य है, इसलिए ये वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इसकी कृपा से सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई है। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हें ही पूजा था। यह पूजा कालंदी यमुना तट के निकट की गई थी, इसलिए ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली और भास्वर है। माँ कात्यायनी शेर की सवारी करती है। इनकी चार भुजाएं हैं, बाएं दो हाथ में कमल और तलवार है, जबकि दाहिने दो हाथों से वरत और अभय मुद्रा धारण की गई है। देवी लाल वस्त्र में सुशोभित हो रही हैं। आइए अब हम आपको सुनाते हैं माँ कात्यायनी से जुड़ी हुई पुरानी कथा। जब पूरी दुनिया में महिषासुर नामक राक्षस से अपना तांडव मचाया हुआ था, तब देवी कात्यायनी ने उसका वध किया और ब्रह्मांड को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। तलवार आदि अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित देवी और दानव महिषासुर में घोर युद्ध हुआ। उसके बाद जैसे ही देवी उसके करीब गई और उसने भैंसे का रूप धारण कर लिया। उसके बाद देवी ने अपनी तलवार से उसका गर्दन धड़ से अलग कर दिया। महिषासुर का वध करने के कारण ही देवी को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। ज्योतिषी मान्यताओं के अनुसार देवी कात्यायनी बृहस्पति ग्रह को नियंत्रित करती है। देवी की पूजा से बृहस्पति के बुरे प्रभाव को कम किया जा सकता है और देवी को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न मंत्रों का जाप किया जाता है, जैसे कि ओम देवी कात्यायनी नमः और अन्य मंत्र जैसे कि या देवी सर्वभूतेषु मा कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अतः नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी की उपासना का विशेष दिन होता है। इसके पूजन से अद्भुत शक्ति का संचार होता है व दुश्मनों का संहार करने में भी ये सक्षम बनाती हैं। इसका ध्यान गोधूल बेला में करना चाहिए। सर्वसाधारण के लिए आराध्य योग्य ये श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बा की भक्ति पाने के लिए हमें इनको कंठस्थ करके नवरात्रि के छठे दिन इनका जाप करना चाहिए। में हम ये आशा करते हैं कि नवरात्रि का छठा दिन आपके लिए मंगलमय हो और देवी कात्यायनी की कृपा आपके सारे परिवार के ऊपर बरसती रहे। बोलिए जय माता दी।